हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ईवीएस का जो हमारी सीरीज चल रही है, आज ये उसका दूसरा पार्ट है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस मिक्स। इससे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था ईवीएस का पैडागोजी। देखिए, ईवीएस के अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है। जितने भी आप सीटेट के एग्जाम देते हैं ना, उसमें आपका जो भी सिलेबस है उसमें एक कॉमन चीज है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, वो सभी में पूछा जाएगा। और दूसरा पूछा जाएगा उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पार्ट। जैसे कि ईवीएस का जो हमने पहला पार्ट किया, उसमें हमने आपके साथ पैडागोजी डिस्कस किया ईवीएस का, और आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा ईवीएस का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये ईवीएस में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बच्चों के बुक से ही पूछा जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी पर वो बेस्ड होगा। तो कोई काफी आपको टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो आज का जो सेशन होगा, यानी कि जो हमारा मिक्स सेशन जब भी बनेगा, वो बेसिक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ जो आई आइकन है उस पर आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आकार के संदर्भ में परिवार के कितने प्रकार हैं। यानी कि आपको बताना है कि जो परिवार का हमारा साइज होता है उसके अकॉर्डिंग परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 2, 6 या फिर 4। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं वो? संयुक्त परिवार और मूल परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार कहने का मतलब हो गया वैसे परिवार के सदस्य जिसमें आपके दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे, मतलब जो परिवार के सदस्य होंगे वो एक तरह से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा लोग होंगे। मूल परिवार कहने का मतलब हो गया माँ बाप और बच्चे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये हो गया उनका मूल परिवार। तो परिवार 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली, सिंपल सी भाषा में। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज अपना विकास और प्रगति कहाँ से शुरू करता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह जो समाज है, अगर आप यहाँ पर समाज को अगर रिप्लेस करके अगर आप बच्चे लिख दे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो बच्चे अपना विकास और प्रगति कहाँ से शुरू करते हैं। एग्जाम में आपको यहाँ देखने को समाज मिलेगा और समाज का हिस्सा होते हैं बच्चे, इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से आप इसको बच्चों के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो बच्चे अपना विकास और प्रगति कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से या फिर उपयुक्त सभी जगह से? अपने ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों ने उपयुक्त सभी टिक किया होगा, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पूछा गया है कहाँ से वो शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से करेंगे? पॉस परिवार से शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपना कोई भी आप देख लीजिए, आप छोटे तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते होंगे? जाहिर सी बात है, आपने परिवार से ही स्टार्ट किया होगा, आपके माँ बाप ही आपको सारी चीजें बताए होंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक मछली घर में उबले और शुद्ध जल का प्रयोग करता है, इससे क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक प्रतीक नाम का लड़का है, वो मछली घर में जा रहा है। देखिए, उबले इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर गर्म पानी का बात नहीं हो रहा है, आपने उबाल कर और पानी को उसके बाद शुद्ध कर लिया है और उसका प्रयोग कर रहे हैं। उबालने का मतलब ये नहीं हुआ, उबले का मतलब आप गर्म पानी लेके गए हैं, ठीक है। मछली पकाना नहीं है, मछली को रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उबले और शुद्ध जल में अगर वो मछली घर में मछली रखता है तो उससे क्या इफेक्ट होगा, हमें वो बताना है। मछलियां जीवित नहीं रह पाएगी, मछली जल के ऊपरी सतह पर तैरेगी, मछली उबले और शुद्ध जल में और बेहतर तरीके से रहेंगी, मछलियां उबले और शुद्ध जल में ठीक उसी प्रकार रहेंगी जैसा वे सादे जल में रहती हैं। यानी कि जो मछली है वो नॉर्मल तरीके से रहेगी। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछलियां मर जाएंगी, यानी कि जीवित नहीं रहेंगी। जीवित क्यों नहीं रहेंगी? देखिए, मछलियों को शुद्ध जल नहीं चाहिए होता है, मछलियों को चाहिए होता है ऐसा जल जिसमें उनके खनिज तत्व शामिल हो, ऑक्सीजन शामिल हो, ठीक है। यानी कि सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, उनको सादा जल चाहिए होता है। सादा जल में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, बहुत सारे खनिज तत्व शामिल होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन की मात्रा शामिल होते हैं, बहुत सारे विटामिन इंक्लूड होते हैं। तो ये सभी चीजें मछलियों को चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए।
तो जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये साइंस का क्वेश्चन फॉरेन हाइट वाला काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। फॉरेन हाइट पैमाने पर पानी का क्वथांक उबलने के समय किस फॉरेन हाइट पर होता है, यानी कि डैश डैश होता है, आपको ये बताना है। आपको बताना है कि जो पानी उबलता है तो उबलने के लिए उसे कितने फॉरेन हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए दो ही पूछता है, एक तो पूछता है कि ये उबलने के लिए, दूसरा पूछता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन के लिए देखते हैं 100, 80, 212 या फिर 32। अपने ऑप्शन चूज कीजिए किस फॉरेन हाइट पर पानी उबलने लगेगा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 212 फॉरेन हाइट पर पानी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। बात करें फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग होता है हमारा 32 फॉरेन हाइट पर। किस पे होता है, 32 फॉरेन हाइट पर वो फ्रीज हो जाता है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज आपके एग्जाम में पूछने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर क्या है, यानी कि डेड सी किसे कहते हैं या फिर क्या होता है, आपको ये बताना है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग डेड सी यानी कि मृत सागर क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो मृत सागर है उसका जो जल होता है वो बाकी सागरों और महासागरों से उसका जल ज्यादा नमकीन होता है, ज्यादा खारा होता है। देखिए ज्यादा खारा होने की वजह से इस पर तैरना काफी आसान होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में पूछेगा कि सागर, महासागर या फिर हमारा मृत सागर, इनमें से तैरना सबसे ज्यादा आसान किस में है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मृत सागर, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से वहां पर तैरना इजी हो जाता है। वहां पर आप कोई भी चीज फ्लोटिंग बहुत आसानी तरीके से वो फ्लोट कर पाती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया और विश्व में रेलवे में भारत का क्या रैंक है। हमें बताना है कि भारत का कौन सा रैंक है एशिया और विश्व दोनों में। एशिया में छठा, विश्व में चौथा, एशिया में दूसरा, विश्व में चौथा, एशिया में चौथा या विश्व में दूसरा, या फिर एशिया में दूसरा और विश्व में भी दूसरा। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे कहाँ पर स्टैंड करता है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया में ये दूसरे स्थान पर आता है और विश्व में ये चौथे स्थान पर आता है, हमारा इंडियन रेलवे। और एशिया में बात करें तो एशिया में दूसरे स्थान पर है, तो जो पहले स्थान पर है वो है चीन। भारत से पहले रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी का है एशिया में तो वो है चीन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत से नेपाल यात्रा करते समय भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार की वीजा शर्तों की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप भारत से नेपाल या नेपाल से भारत यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की वीजा की आवश्यकता होगी, किस कैसा रिक्वायरमेंट होगा, आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अग्रिम वीजा चाहिए, आगमन पर वीजा चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, या फिर आगमन पर वीजा चाहिए जो कि शर्त निःशुल्क होनी चाहिए, यानी जिसपे कोई भी शर्त हमारा नहीं होगा। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी तरह का कोई भी वीजा नहीं चाहिए। भारत और नेपाल सिर्फ यही दो ऐसे कंट्री हैं जिनमें आपस में आप ट्रेवल करेंगे तो कोई भी आपको वीजा नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और दोस्ती का संधि हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1950 में। दूसरी चीज, केवल लोग ही नहीं, भारतीय नागरिक ही नहीं, बल्कि उनके बीच लोग और वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आवाजाही किया जा सकता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर एग्जाम में अगर आप भारतीय नागरिक को हटाकर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट या कोई सामान लगा दे तो भी आप ध्यान रखिएगा कोई वीजा की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी, वीजा वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन का सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि हमें बताना है कि वैसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, कैसे खाद्य पदार्थ हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा ट्रेवलिंग सोर्स यानी कौन सा परिवहन का सोर्स अच्छा होगा।
सड़क परिवहन अच्छा होगा, रेल परिवहन अच्छा होगा, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर वायु परिवहन टिक किया होगा, क्योंकि जल्दी खराब होता है तो वायु परिवहन जल्दी पहुंचाने के लिए काम करता है, तो बहुत लोगों ने ये मारा होगा। बट ये आंसर गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क परिवहन। देखिए यहाँ पर खराब होने वाले खाद्य पदार्थ कहने का मतलब हो गया, जैसे कि आपका कोई कच्चा सामान है, दूध हो गया, मछली हो गया, तो ये सब चीजें जो हमारे कच्चे आइटम होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनके लिए आपने ध्यान दिया होगा तो सड़क परिवहन सबसे बेस्ट होता है। आपके घर में जो दूध वगैरह आता है वो कैसे आता है, वो सड़क से ही आता है। सड़क परिवहन उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स होता है, जिससे वो छोटी छोटी जगहों पर भी उसे ले जाना काफी ईजी होता है, इसलिए सड़क परिवहन को ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके लिए सब्जियां वगैरह भी इसी में आती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि ये भारत में है, ठीक है। कहाँ पर है ये, भारत में है, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, दिल्ली, गोरखपुर, इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर में। और ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है, जो विश्व का अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना गया है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से निर्मित है वह क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तत्व कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, यौगिक कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। देखिए आज का जो भी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बार कंफ्यूजन हुआ होगा, और इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूजन जरूर करेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। 20 नंबर में आपको बताना है क्या, कि वो कौन सी वस्तु है जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं यानी कि सभी पदार्थ से निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों का आंसर मेरे ख्याल से होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्हें लगता होगा कार्बन इसका राइट आंसर है। बट कार्बन इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है द्रव्य, यानी कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी के सभी द्रव्य से निर्मित होती है। चाहे हमारे आसपास में हम कोई भी देख लीजिए, चाहे वो हमारे लिए वायु की बात कर ले, हम भोजन की बात कर ले, हम पत्थर की बात कर ले, तारे की बात कर ले, पौधे, जानवर या फिर कुछ भी आप ले लो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सारे के सारे द्रव्य से बना हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत लोगों को यहाँ पर कार्बन ढूंढ रहे हैं, कार्बन नहीं मिलने के कारण आप एग्जाम में डी मार के आ जाएंगे, बट कार्बन इसका राइट आंसर नहीं है। क्या इसका राइट आंसर है, द्रव्य, द्रव्य इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास एक प्रॉपर नॉलेज पहुंच सके, क्योंकि इस तरह से ईवीएस विद डिटेल से पढ़ाने वाले बहुत रेयर आपको मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम के पैटर्न से है। तो ये काफी अच्छा नॉलेज है, आप सभी को शेयर कीजिए, चलना चाहिए इसे और पढ़ते रहना चाहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।